तो आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ सूरत के एक ऐसे स्टॉल पर जहाँ पर लस्सी पीने खाई जाती है। तो आज हम आ चुके हैं जैसे हमें लस्सी वाले की परेशानी होती है, बड़े क्वांटिटी में लस्सी बनाई जाती है और उनकी लस्सी इतनी ठीक होती है कि देखिए आप ग्लास को उल्टा कर देंगे तो भी लस्सी इसमें गिरती नहीं है। तो चलिए हम उनका देखते हैं कैसा मेकिंग और प्रोसेसिंग होता है। ये भाई ने अभी ग्लास ले लिया है, देखिए एकदम उसको अभी अच्छे से इसको ये वॉश करेंगे। हमारे ग्लास वॉश हो गया और अभी इसकी ग्लास को सेटिंग करेंगे। इन्होंने ग्लास रख दिया है, ये देखिए ये इनकी तीन लस्सी फ्लेवर्स है, इसमें मैंगो है और एक नॉर्मल लस्सी और एक पिस्ता लस्सी है। ये भी मैंगो लस्सी लगाने जा रहे हैं, ये देखिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया मैंगो लस्सी लगाना। और काफ़ी जूनी स्टॉल है इनकी, काफ़ी जूनी स्टॉल है, इनके दादा दादी ये स्टॉल लगाते थे 10 पैसे में, उनके दादा दादी ने स्टॉल लगाना चालू किया था और आज ये ग्लास का 50 रुपीज़ में पर ग्लास लस्सी सेल करते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा फ्लेवर आ चुका है, इनका मानना है कि क्वालिटी रखो तो कस्टमर अपने पास आएंगे। तो इनकी लस्सी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह हमारा पिस्ता फ्लेवर आ गया है अभी, कितनी ठीक लस्सी आप देख सकते हो उसके अंदर। ये देखिए ये मलाई डाल रही है इसके अंदर अभी, सब में सेम क्वांटिटी की जो भी डालते सब में सेम क्वांटिटी की डालते, इसमें जरा से भी है। ऑलमोस्ट अब समय पड़ चुका ही है, ये हमारी हाफ मेकिंग रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आएगा इनका आइसक्रीम, 2 स्कूप आइसक्रीम के डाले जाते हैं, वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम है ये। शंकर स्पेशल उल्टी लस्सी। उल्टी लस्सी नहीं सर, जाड़ी लस्सी थे। अच्छा, लोग मतलब ऊंधो कर लागे। आ जेम ठंडी थाय ने एम ए घट बनी ने चोटी जाए। ओके, बीजो कोई नवी वस्तु नहीं आम समझा सर। तमें जितली ठंडी करने पियो ने એટલી આ જાળી થઈ જાય, તમારા ઘરે બી પાર્સલ લઈ જાઓ, અમે 1 કલાક ખાલી ફ્રીઝરમાં મૂકો એટલે આટલી જ જાળી લસ્સી થઈ જાય, સમજી ગયા સર, આટલી જ જાળી લસ્સી થાય।
કોઈ જાદુ નથી અને પ્યોર લસ્સી છે અને અંદર મલાઈ ક્રીમ એટલા પ્રમાણમાં આવે છે જેના લીધે આટલી જાડી થઈ જાય છે. જેકીભાઈ ચોક બજાર જયશંકર લસ્સી વાળા, આવો મોસ્ટ વેલકમ. અમારાની લસ્સી પીઓ, આ ગરમીની મોસમમાં ઠંડકનો અહેસાસ કરો તમે લોકો.